सौरभ कहाँ है तू? अच्छा, मुझे फटाफट इमीजिएटली आके मिल। हाँ, आधे घंटे में फटाफट आके मिल मुझसे, ठीक है? हेलो। हाँ क्यों भाई, नहीं माल कब ला रहे? अब भी आ फटाफट। आपका नाम माजिद खान है भाई? हाँ, आप उनका नाम माजिद खान है। बोल। इरफान खान मेरा नाम। हाँ बोल। ये महाराजा पैसे ये अकाउंट में पहुँचा दी। हेलो। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ, रोक के रखो। हेलो। और मैं कौन हूँ तुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस आदमी को तूने माल दिया है उस माल को उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। तेरे को कैसे पता माल पुलिस ने पकड़ लिया? अगर तू जानना चाहता है तो तुझे खंडे में मिलेगा माल, तुझे सब बता देगा। अच्छा, तुझे उसका भागते पीछा करना है? अच्छा, सिर्फ अपना एड्रेस बता, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो भटोनी के पुराने खंडर में आ जाए, वहाँ तुझे एक आदमी मिलेगा। अच्छा हाँ, गुड बाय मिस्टर इरफान खान। जय हिंद सर। बैठो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने आखिर इस केस को समझ क्या रखा है? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ये केस कोई मजाक नहीं है। मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट 2-1 दिन में मिल जाएगा सर। हम भी तैयार कर रहे हैं, हम भी दूर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मुस्लिम ऐसा साथ है कि एक बात सुनना, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। समीर, मुझे आज की तारीख में उन दोनों का डाटा चाहिए, क्योंकि मुझे पता है दूसरा नंबर किसका है। ओके सर, ठीक है। और सौरभ, ये लो इसको, ठीक है? ठीक है सर। Get lost. Chill. कार से सीधा साइकिल।
अपना देश और प्रेस दोनों बदलनी पड़ती है। पानी तो मैं पिलाऊंगा बच्चे तेरे को, पिलाऊंगा जिस दिन तू पकड़ा गया ना, तुझे हवालात का पानी मैं पिलाऊंगा। हाँ भाई, हाँ यार, जो ट्रक खराब हो गया है तुम्हारा माल पहुंच जाएगा, टेंशन माल का टेंशन मत लो, ट्रक बना रहा हूँ अभी। हाँ, तुम्हारा माल पहुंच जाएगा, ठीक है, चलो रखो। हेलो सोन, मैंने इरफान के खून को देखा है और मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। हाँ, क्या बात है, उनको कैसे खबर, तुम देखे थे? हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, कहाँ पर? पुराने खंडर में पहुँच जा रेलवे लाइन के पास। ओके, मैं तेरा इंतजार करूँगा। हाँ, तुझे तो मेरे हाथों ही मरना था। जो काम मैं कानून के दायरे में रहके नहीं कर सकता था, वो काम मैंने कानून के बाहर रहके करा। गुड बाय मिस्टर माजिद खान, तेरी फाइल मैंने क्लोज कर दी। लगता है गुआ इसी खंडर के बारे में बता रहा था, इसमें छानबीन शुरुआत करता हूँ मैं।
आपका डीएसपी सर, अब तो ये बता दो दोनों जन को मारा क्यों? तीसरा नंबर किसका है? बताता हूँ। सौरभ, मैं बोल रहा हूँ। यस सर। इमीडिएटली मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हाँ, छत पर आना। ओके सर। सौरभ, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया तुम्हें पता है? तुम इस केस को छोड़ दो। क्यों सर? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह किसी और पुलिस वाले को बुला लिया। सॉरी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मुसीबत में पड़ो, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है जिनका खून हुआ है। सॉरी सर, मैं इस केस से नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा केस मैंने देखो, मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारा दिल्ली में ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है सर, लेकिन सर तुम कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर दो, मैं ये केस से नहीं हटूँगा सर। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो सर, क्योंकि ये केस से अगर हट गया तो वो जो दो खून हुए उनके जिम्मेदारी सब मेरे पर आ जाएंगे, उनके माँ बाप भाई बहन सब मेरे ऊपर केस। तुम्हें पता है जिसकी तुम बात कर रहे हो, माँ बाप भाई बहन, उन लोगों ने कितने लोगों के माँ बाप भाई बहन छीने? क्रिमिनल 10 साल है। उसके खून की चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। और एक जो नया ऑफिसर आया वो संभालूंगा। अगर फिर भी जीत करते हो तो ठीक है, तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है तुम्हें, तो केस तुम संभालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना, तीसरा नंबर जिसका है उसका खून होकर रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो भी आदमी मार रहा है वो छोड़ेगा नहीं। तो एक बात मैं भी बता दे रहा हूँ सर, तीसरा खूनी खून तो होने में नहीं दूंगा, तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर। अच्छा, नहीं छोड़ोगे फिर वो चाहे जो भी हो? नहीं छोड़ूंगा सर, चाहे वो मेरे घर का भी क्यों ना हो। अगर वो पुलिस वाला हो तो फिर भी नहीं छोड़ूंगा सर। अच्छा, जब केस में एक बार कदम बढ़ा चुका हूँ तो पीछे पलट के देखूंगा नहीं सर मैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जीत है तो फिर कंटिन्यू करो इस केस को, देखता हूँ मैं भी कि तुम्हें सफलता मिलती है या फिर हार। ऑल द बेस्ट। यस सर। हाँ सौरभ, कहाँ है तू? हाँ, मैं पालकर रेलवे लाइन के पास में हूँ सर, जहाँ समीर की आखिरी लोकेशन मिली थी। यस सर। हाँ, वैसे जैसे समीर का पता चलेगा सर मैं आपके पास चले आऊँगा। हाँ सर, चलो मैं आता हूँ सर। हेलो सर। हाँ सलीम बोल। मुझे पता है समीर सर का और किस हालत में। अच्छा, खबर पक्की है? कहाँ, रेलवे लाइन पुरानी खंडर में?
समझ में आया। डीएसपी मैं छोड़ूंगा, डीएसपी मैं छोड़ूंगा तुझे। हसिया या बंदूक से मारो, तेरे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। से सबका खून कर रहा था ना, हाँ? उन तीनों में से एक भी अच्छा नहीं था। एक ने 5 निर्दोष को खून किया और एक ने 3 मासूम लड़कियों का रेप। तो काम पुलिस वाले का है ना, तो तूने क्यों पुलिस वाले होके तूने वो पुलिस वाले का काम है। वो समीर पुलिस वाला नहीं था, वो गद्दार था। गद्दार मैंने सोचा कि जो काम मैं इस वर्दी में नहीं कर सकता था ना, लेकिन वो काम तो पुलिस वालों का था।
तुम ही खुद पुलिस वाले हो गए, तुम खुद ही कानून को हाथ में ले लोगे तो ये समाज वाले पुलिस पे क्यों यकीन करेंगे? मुझे समाज से कोई लेना नहीं, कानून से कोई लेना नहीं, मैं इंसाफ खुद करूंगा। तेरा भी इंसाफ है, तू भी उन लोगों का साथ दे रहा है। तो मैं ये होने नहीं दूंगा, ये होने नहीं दूंगा। आदे तेरा ठोर जिंदा है। Action! बैकफ्लिप वापस से मारनी पड़ेगी। हाँ। बोल। Action! क्या भागी? थोड़ा सा चश्मे पर हाथ लगा मेरे भाई। एक्शन। क्यों साइकिल से कहा? एक्शन। क्या एक्शन। हाँ बहुत रहता है। एक्शन। तू तेरे एक्शन। रेडी। पोजीशन में। एक्शन। एक्शन। चश्मा उतार भाई। एक्शन। बस बस ऐसी स्टाइल में। एक्शन।
एक्शन चालू चलो। हाँ एक्शन बोल तो दिया कर। आवाज ही नहीं आ रहा है इन लोग का बिल्कुल भी, जरा सा भी। हवा इतनी तेज चल रही है। तीसरा जो खून जब होगा तो ये बता दे रहा हूँ, तीसरा खून जब होगा तो वो एक्शन। कैमरे में मत देख मेरे बाहर, उधर तक उधर इस साइड देख। चल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और है बस ठीक है, इतना काफी है। अभी नहीं, एक हाँ हट जा जल्दी, आग बुझ जाएगी पीछे। हाँ रेडी, एक दो एक्शन, हटने। ए यार सीन बर्बाद कर दिया तुमने, मैंने बोला था बल्ली गिरे तब फेंकना। दांत तेरी की, कुछ नहीं होगा उससे। चल चल।